हेलो फ्रेंड्स, फिट टू टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम 2024। सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लेके एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि अभी जो कि है कल 30 जुलाई 30/7/2024 को क्या था, सीआईटीएस का फाइनल पेपर हुआ है। फाइनल एग्जाम हुआ है, एनुअल एग्जाम हुआ है। तो इसमें अभी तक जितने भी पिछले वर्ष था उसमें भारत स्किल का निम्मी का क्वेश्चन पूछा जाता था, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे किसी भी ट्रेड का, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, या फिर जिस भी ट्रेड से वो मशीनिस्ट वगैरह, सभी में थ्योरी में से किसके क्वेश्चन आते थे, निम्मी के क्वेश्चन आते थे। किससे क्वेश्चन आते थे, निम्मी के क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार क्या सुनने में आया, सभी छात्र रो रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया। पीओटी में, जिसे टीएम बोलते हैं, पीओटी अभी आपको नहीं पता होगा, ट्रेनिंग मेथोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट हो जाए जिसमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे अपना तौर तरीका होना चाहिए, बात क्या करें। इसमें 100% जो रहता था कि आता था कि 300 क्वेश्चन का पीडीएफ था, उसी में से आता था। लेकिन इस बार भी उसमें से पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको भी, मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, आपको अवगत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जाम कब है, 4 अगस्त को एग्जाम है। तो 4 अगस्त के एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, अपने बुक के भी सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 75 ट्रेड से रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके ट्रेड से, और नॉन टेक रहेंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सभी कर ले जाएंगे। इस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है अभी तक, लेकिन क्या पता इस बार भी चेंज हो जाए। लेकिन अभी तक 25 जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मीडियम रहे, इजी रहे, तो आपको 25 प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन ट्रेड वाले क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर निकलिए, अपने बुक के जितने भी पीडीएफ हो, या फिर आपने जो भी क्लास का नोट्स बना रखा उससे, या फिर अगर आप फिटर के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, फिटर टॉपिक स्टडी एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां से आपको सीआईटीएस का टेस्ट बनाया है, जिसमें कि वन टेस्ट फ्री है। वन टेस्ट क्या है, फ्री है, 75 क्वेश्चन ओनली ट्रेड का है, उसमें वन टेस्ट फ्री है, 75 क्वेश्चन है उसमें, आपको लगा लेना है। बाकी भी लगाना चाहे तो मात्र ₹49 चार्ज है, आपका आपकी मर्जी है बाकी के लिए। लेकिन एक टेस्ट जो है फ्री है, सभी फीटर के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल से देख रहे हैं, तो आपको जाके वो टेस्ट लगा लेना है 75 क्वेश्चन का। 75 क्वेश्चन में से तो कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा आपको। वो जो जितना भी सेट है सभी निम्मी पीडीएफ से अलग हटके बनाया गया है, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ लेना है, अभी तक नहीं बनाया तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप जितने बार लगाइए, आप लगाइए, अपने दोस्तों को दीजिए लगाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लगा सकते हैं फीटर टॉपिक स्टडी। और आपको मैं इसी बात को बताने के लिए कि आपको भी रोना ना पड़े, नंबर कम होने के कारण आप काउंसलिंग से बाहर हो जाए, आपको क्या पता चले गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाए, इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए बाद में पता चलेगा कि आप काउंसलिंग 1 में हो गया, काउंसलिंग 2 में भाग ले रहे हैं, 3 में, फिर पता चले कि आप पूछे कि सर स्पोर्ट एडमिशन कब होगा, तो स्पोर्ट में फिर दर दर की ठोकरें खाना पड़े, सुबह पहुँचना पड़े, इधर जाओ उधर जाओ। तो इससे अच्छा है कि अगर आप सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम 2024 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 दिन मौका है, 4 दिन बहुत होता है। आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आज एग्जाम में क्या पढ़ रहे हो, उतना दिन से क्या किए, तो उतना दिन से जो किए वो भूल जाइए। आपको एग्जाम से मात्र जितने एग्जाम के दिन तक पढ़ना है, इतना बात याद रखिए। एग्जाम के दिन जाइए कॉलेज में, अपना साइड कॉलेज सेंटर से थोड़ा दूर बैठिए, बुक पीडीएफ जो भी क्वेश्चन है उसको देखते जाना है, देखते रहिए, एकदम देखते रहना है। दुनिया जो भी कहे, दुनिया तो आइंस्टीन को भी पागल कर देगी, किसी को भी पागल कर देगी, है ना। तो विद्युत बोल के उसका थॉमस एल्वा एडिसन, तो उनको भी लोग कहेंगे नहीं ये पागल है, है ना, स्कूल से निकाल दिया गया था शुरू में ही। तो दुनिया को कहने दीजिए आपको पढ़ना है, आप पढ़ के जाइए, एग्जाम के दिन तक पढ़ना है ना। वही लोग हमेशा टॉप करते हैं जो एकदम पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। एग्जाम के बाद आपको थोड़ी ना पढ़ना है, एग्जाम के बाद फिर दूसरे एग्जाम का तैयारी होगा तो उसके बाद कंटिन्यू पढ़ना है। लेकिन कुछ टाइम तो आपको रेस्ट एग्जाम के बाद करना है, लेकिन एग्जाम के पहले नहीं करना है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर का जो कि है वीडियो अवेलेबल रहता है, तो इसलिए चैनल पर नए हो, आप किसी भी ट्रेड से हो इससे कोई मतलब नहीं रहता है,
आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। किसी कितने दोस्त पूछते हैं कि सर आपसे बात करना है कैसे हो पाए, तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से मुझे आप पर्सनल DM कर सकते हैं, है ना। और कोई भी जानकारी चाहिए एग्जाम को रिलेटेड तो आप मुझसे कॉमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई देने का जल्द से जल्द कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।